दोस्तों, कद्दू की सब्ज़ी अगर आप नहीं खाते तो ये रेसिपी देख के मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप कद्दू की सब्ज़ी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस तरीके से मैं ये सब्ज़ी बना रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बाकी सब्ज़ियाँ भी आप भूल जाएंगे। बहुत ही स्वाद, बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी बनती है और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्यों ये सब्ज़ी हमें खानी चाहिए। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी है। तो चलो शुरू करते हैं कद्दू की सब्ज़ी, और हलवाइयों से भी बेस्ट ये बनेगी। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए चलो अभी हम अपनी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हरा कद्दू लेंगे और हरे कद्दू को हमने जो नमक है उसके पानी में डुबो के रखना कोई एक घंटा, और उसके बाद अच्छी तरीके से हमने उसको धोना है, क्योंकि हम इसको छिलके के साथ बनाएंगे तो कोई भी जर्म्स या कोई केमिकल वगैरह इसके साथ नहीं रहना चाहिए। और इसको अच्छी तरीके से धो के आप तौली के साथ इसको अच्छी तरह एक बार साफ़ कर लें, और कभी हम इसकी कटाई करेंगे। तो कटाई कैसे करनी है कि सबसे पहले से ये जो हम इसका जो जड़ वाला पार्ट होता है वो हम इसको निकाल लेंगे, और ऐसा ही इसका दूसरा पार्ट जो इसके नीचे वाला है हम उसको भी निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ऊपर और नीचे से ये जो इसकी जड़ वाले जो पार्ट है इसको निकाल के इसको हम अभी काटेंगे, और इसका जो हम जो पीस रखेंगे थोड़े से मीडियम साइज़ के रखने हैं, तो बिल्कुल छोटे पीस नहीं करने जिससे कि वो एकदम ही घुल जाएंगे और फिर कद्दू का खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से काट के इसके हमने जो इसका गुदा वाला जो पार्ट है और जो इसके बीज हैं हमने उनको निकाल लेना। तो दोस्तों, ये मैं आपको पहले बता रहा था कि क्यों ये सब्ज़ी हमारे को खानी चाहिए। तो ये डायबिटिक लोगों के लिए भी और जो प्रोस्टेट के जिनको थोड़ी सी कोई इशू है तो वो भी इसको खा सकते हैं, और इसके खाने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो ये रेगुलर उनको रखना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टेट के लिए तो ये कद्दू बहुत ही ज़्यादा जो है ये यूज़ किया जाता है, और इसलिए इसको ज़रूर खाना चाहिए। बड़ी हरी सब्ज़ी है और बहुत अच्छा ये फ़ायदा भी करती है। तो इस तरीके से हमने अभी ये जो हमने पीस काटे हैं इनके जो बीज हैं हमने उनको निकाल लेना, और बाद में ये आप देखें कि मैंने सभी के जो पीस हैं ये जो सभी पीसों के जो बीज हैं अंदर से मैंने गुदा और ये सब निकाल दिए हैं, और अभी इसको इस तरीके से काट के और बाद में हम इसके छोटे छोटे पीस काटेंगे। छोटे छोटे मतलब मीडियम साइज़ के पीस होने चाहिए ताकि वो जब ये हम सब्ज़ी बनाएं तो वो बिल्कुल एकदम से गल ना जाए और एकदम से गायब ना हो जाए बीच में से। तो ये देखिए कभी ऐसा लंबाई काट के इतना जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ इतनी एक मोटाई के आप ये सारे पीस काट लेना, और इसको ये मीडियम साइज में आप इसको काट लें। तो मैंने ये लगभग आधा किलो जो कद्दू है मैंने ये छोटे वाला ग्रीन कद्दू ये मैंने लिया था, और ग्रीन वाला कद्दू लेना क्योंकि ये पानी कम छोड़ता है, और जो आपका पीले वाला जो कद्दू होता है वो थोड़ा पानी ज़्यादा छोड़ता है, तो इसलिए आप ये ग्रीन वाला लेना कद्दू, और इसको हम छिलके समेत बनाएंगे क्योंकि छिलके के अंदर ही सारे विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं इसके बीच में। तो अभी एक पैन लेंगे, और पैन में मैंने कोई 3 बड़े चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, और अभी आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा, आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, आधा चम्मच मैंने सौंफ, आधा चम्मच मैंने मेथी दाना, और आधा चम्मच कलौंजी, और आधा ही चम्मच मैंने इसके बीच में सूखा धनिया डाला है साबुत, और 3 लौंग और कोई 4-5 मैंने दाने जो है उसके काली मिर्च के डाले हैं। तो ये बाद में मैंने इसके बीच में एक कटा हुआ जो जिंजर है अदरक है वो डाल दिया। तो दोस्तों, इसके बीच में एक बड़ी अच्छी टिप है, आप ये मसाले डालने में और उसके बीच में आप 3 लौंग और 2-4 ये जो 4-5 पीस मैंने आपको बताया ना दाने ब्लैक पेपर के, ये ज़रूर डालना। ये हिडन मसाले होते हैं, इनका आपको पता नहीं चलेगा, और इसका बीच बीच में आपको स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। और ख़ासकर इसके बीच में जो कलौंजी है, कलौंजी का बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है कद्दू के बीच में, तो ये कलौंजी आपने ज़रूर डालनी है। और अभी आप इसको ढक के सबको मिला के अच्छी तरह से डाल के हमने 3-4 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको ड्राई बनाएंगे तो इसलिए हमने बार बार इसको ये बीच में ढक्कन निकाल के हम इसको देखते रहना है। 3 हरी मिर्च चॉप करी हुई और कोई 1 पिंच ऑफ
थोड़े से चुटकी भर आप हींग इसके बीच में डालें तो इसका भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है, इसके बीच में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने जो आँच है ये बिल्कुल लो रखी है और लो आँच पे हम इसको बनाएंगे और धीरे धीरे इसको पकाएंगे। 1.5-2 चम्मच मैंने इसके बीच में जो है गुड़ को काट के गुड़ डाला इसके बीच में, और खट्टा मीठा बनाएंगे तो गुड़ डाला, नमक डाला, एक तो आम नमक डाला और इतना ही मैंने नमक जो है वो काले वाला नमक डाला, तो इसका बहुत ही बढ़िया स्वाद आपके इसके बीच में आपको आएगा। तो काला नमक तो बहुत ही बढ़िया स्वाद देगा आपको इसके बीच में, और पाचन में भी वो बहुत बढ़िया होता है, तो डालने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसी तरीके से डाल के मिलाते रहना हम इसको साथ, और जैसे ही कोई भी चीज़ आप इसको ढक्कन खोल के बनाएं ये डालें तो साथ के साथ ही हमने इसको चलाते रहना। अभी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच मैंने इसके बीच में लाल मिर्च का डाला, और हल्दी ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि इसका वैसे भी रंग थोड़ा पीला, तो ज़्यादा हल्दी डालने का फ़ायदा कोई नहीं है। और 1/2 चम्मच आप उसको डालें और फिर ढक्कन लगा के आपने हर बार इसको 3-4 मिनट के लिए बंद करके पकाना है लो आंच पे। और अगर आपके बीच में लगता है कि पानी सूख गया या कम है तो थोड़ा थोड़ा पानी उसके बीच में 2-3 चम्मच आप डालते रहें बीच में और इसको थोड़ा सा पकाते रहें, तो पानी के साथ जो है मसाले वो अच्छी तरह से गल जाएंगे और अपना टेस्ट भी जो है वो बहुत बढ़िया इसके साथ देंगे। और जैसे जैसे ये कद्दू हमारा गलता जाएगा इसके साथ ही जो मसाले इसके साथ चिपकते जाएंगे और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर, बहुत ही बढ़िया ये स्वाद आपको देंगे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक बार अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी बना लेंगी तो बाकी सब्जियां आप भूल जाएंगे और इसी को बार बार आप बना के खाएंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसका टेस्टी ये कद्दू बनेगा। तो आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो अभी 2 चम्मच मैंने इसके बीच में धनिया पाउडर डाला और थोड़ी सी मैंने इसके बीच में कोई 1 चम्मच जो है लाल जो देगी मिर्च होती है वो डाली है कलर के लिए, और 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला जो डाला है। और अभी ये डाल के आप इसको अच्छी तरह से मिला दें और मिलाने के बाद फिर इसको ढक के हम धीरे धीरे पकाएंगे। तो छोटे छोटे प्रोसेस हैं, कुछ एक चीज़ें जो हमने बीच में डालनी है और उसी टाइम पर डालनी है। तो आप ये देखिएगा अभी ये जो हमने मिर्च वगैरह डाली है उससे कितना ही बढ़िया इसका फ्लेवर बीच में आ गया है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसके बीच में मैंने अभी 3 ये जो लाल मिर्च साबुत है वो भी डाली है इस स्टेज पे, तो इससे भी बहुत बढ़िया इसका टेक्सचर आता है और इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और इसकी ग्रेवी बहुत बढ़िया रंग देती है। तो ये देखिए आपको कितना बढ़िया देखने में ये लग रहा कद्दू जो हम बना रहे हैं। तो ये लगभग अभी अगर आप देखेंगे तो 80% ये बन गया है, और थोड़ी देर हम इसको और अभी चला के थोड़ा सा पकाएंगे। तो अभी इस स्टेज पे हम जैसे 80% पक गया तो 2 या 1.5 चम्मच जो हमने इसके आमचूर पाउडर इसके बीच में डालना है, और साथ में थोड़ी सी 1 चम्मच कसूरी मेथी जो है वो भी आप इसके बीच में यहाँ से इसके बीच में अभी डाल दें तो बहुत बढ़िया इसका भी स्वाद आता है, टेस्ट आता है। तो पानी जैसा कि मैंने आपको बोला कि जैसे ही आपको ये लगता है कि इसमें थोड़ा ग्रेवी कम है या ये चिपक रहा है या कम ये गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा आपने पानी इसके बीच में डाल के फिर इसमें चलाते रहना। तो कसूरी मेथी भी अभी हमने इसके बीच में डाल दी है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इसका और अच्छी फ्रेगरेंस देता है ये, तो ये भी आप डालना इसके बीच में, ढक के फिर इसको 3-4 मिनट के लिए हम पकाएंगे। और अभी ये लगभग हमारा ये बिल्कुल तैयार हो ही चुका है, तो अभी आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए अगर हम मैं इसको काटता हूँ पीस को तो बड़े आराम से ये कट जाता है, और अभी हम क्या करेंगे कि इसमें से 1/2 से थोड़े कम जो हैं बड़े पीस उसको हम मैश कर देंगे, तो थोड़े पीस मैश होंगे और थोड़े से जो हैं हमारे वो साबुत रहेंगे, तो बहुत ही बढ़िया ये खाने में स्वाद देते हैं। तो सिर्फ अभी 3/4 मतलब चौथा हिस्सा जो है वही हमने इसका मैश करना और बाकी 3 हिस्से हमने साबुत रहने देने हैं, तो क्योंकि ये भी सारे मसाले अब्जॉर्ब करेंगे, ग्रेवी अब्जॉर्ब करेंगे, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसके साथ इसका। तो थोड़ा सा पानी अभी इसको बीच में थोड़ा सा आप और डाल के एक बार इसको फिर 3-4 मिनट के लिए पका लें तो ये सब्ज़ी हमारी जो कद्दू की है एकदम बन के ये देखो कैसे लाजवाब ये तैयार हो गई है, देखने में ही कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ रहा है। अगर आप इसको पूरी के साथ या परांठे के साथ खाएँगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती है ये,
और चपाती से भी खाएंगे तो भी बहुत बढ़िया आपको टेस्ट आएगा। तो बीच में एक बार आप चम्मच लेकर थोड़ा सा टेस्ट इसको कर लें, अगर किसी चीज़ की कम का कोई चीज़ अगर इसमें कम ज़्यादा है तो आप उसको कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया इसमें बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है, और लास्ट में इसके ऊपर मैंने कटा हुआ धनिया डाला है, और ये डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और आँच बंद करेंगे, और इसको हम जो है अभी इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो इस तरीके से ये अभी हमारी सब्ज़ी बिल्कुल ये बनकर तैयार हो गई है, और गैस बंद करेंगे, अभी हम इसकी प्लेटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो एक कोई भी बाउल अगर आपके पास है कोई अच्छा सा बाउल, आप वो बाउल लीजिए और उसके बीच में आप इसकी प्लेटिंग करिए। तो ये देखोगे देखने में कितनी ज़बरदस्त ये जो सब्ज़ी है हमारी लग रही है, तो खाने में कितनी लाजवाब होगी। तो अभी हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये मैंने एक बाउल लिया और बाउल के बीच में इसको डालना स्टार्ट कर दिया है, और लास्ट में इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया छिड़केंगे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई नहीं भी कद्दू खाता तो वो आज के बाद वो भी खाना स्टार्ट कर देगा। तो इसको पूरी के साथ खाइए, मुंह में पानी आ जाता देख के इसको। तो आप भी इसको बनाओ, खाओ और इंजॉय करो इसको खूब। तो एक बार कमेंट जरूर करना कि अगर आपने ये बनाई है तो आपको कैसी बनी है, और कैसी इसमें कोई कमी पेशी हो तो वो भी बताना। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।